मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले में रही माँ दंतेश्वरी मंदिर यह हेउछि द्वादश शताब्दीर अति पुराणा मंदिर केही केही एहाकु चतुर्दश शताब्दीर बोली कहते अन्य स्थान अपेक्षा एठी माँ दंतेश्वरीकर पूजा हुए भारी नियारा ढंगरे माँ को पाखकु जीवाकु हेले हिंदू परंपरा अनुजाई पुरुष मानंकु धोती पिंधि माँ को दर्शन करिबाकु पड़िथाय माँ को दर्शन कले भक्तंकर सबु मनस्कामना पूर्ण होइथाय बोली विश्वास रहिछि। तेणु एठी लक्षाधिक भक्तंकर समागम होइथाय। डंकिनी और संखिनी दुई नदी मझीरे माँ दंतेश्वरी मंदिर रही मंदिर द्वादश शताब्दीर पुराण शास्त्र अनुसार माँ सती जेतेबेले देह त्याग करते सेतेबेले महादेव अत्यंत दुखरे भांगी पड़ जाते पत्नी सती को अत्यंत भल पाथर जीवनहीन शरीर को कांधरे नहीं सारा विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा करने को लगे फलर सारा विश्व एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि पृथ्वीर संतुलन बिगड़े लगला सेतेबेले विष्णु भगवान निजर सुदर्शन चक्र रे सतीं शरीर को काटी जहाँ फलरे महादेव कांधरु सतीं शरीर अपसरी जाइथिला हेले चक्र रे कटा जिबा फलरे सतीं शरीर विभिन्न अंचल रे पड़ीथिला आउ सेही सबु स्थान पीठ रूपे परिचित होइ मांकर पूजा करा जाउछि। एहिभली भावे वर्तमान 51 शक्तिपीठ और उपपीठ रही सब शक्तिपीठ से माँ किछि ना किछि अंश पड़ीथिबार शास्त्ररु जनापड़े तेबे एही पीठ से सतीं दांत पड़ीथिबार मंदिर ना दंतेश्वरी भावे नामकरण होइछि। वस्त्र राजा एठारे ठाकुरानी को पूजा करि आसुथिले परंपरा अनुसार जे पर्यंत पीठ से पूजा करा जायनी से पर्यंत राज्य में कौनसी कार्य हुए नाही। तेबे दंतेश्वरी मंदिर पांच भागरे विभक्त सेगुड़िक हैला गर्भगृह अंतरालय मुख्य मंडल मुक्ति मंडप एवं सभागृह। तेबे गर्भगृह अंतरालय मुख्य मंडल एही तीनि गृह द्वादश शताब्दीर रहिछि बोली सुनिबाकु मिले। पुरुषोत्तम महाराजंक राजुति समय रे मुख्य मंडल मुक्ति मंडप निर्माण होइथिला। तेबे द्वादश शताब्दी पूर्वरु मंदिर रे देवी देवता पूजा पाउथिले बोली अनुमान मध्ये रहिछि। ये डंकनी शंखनी दो नदियों के मध्य माँ दंतेश्वरी का मंदिर विराजित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी की है और यहाँ शास्त्रों में भी उल्लिखित है कि ये देवी 51 शक्तिपीठों में समाहित है। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ भगवती जब सती हुई थी तो शिवजी ने दुखित होकर उनका शरीर को कंधे पे लेकर परिक्रमा करने लगे थे पृथ्वी का। तो कई दिन बीतने के पश्चात ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती का शरीर को 52 भागों में विभक्त किए हैं। तो अभी वर्तमान 51 शक्तिपीठ ही मानी जाती है और यहाँ देवी जी का सती जी का डाढ़ गिरा था डाढ़, इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। यह मंदिर बस्तर की जो राजा थे उनकी इष्ट देवी है, पूरे बस्तर वासियों की इष्ट देवी है। जब तक इस देवी का पूजा या पाठ पठन नहीं करते यहाँ के लोग तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं करते, ऐसी यहाँ की परंपरा है। ए मंदिर बस्तर राजांकर तेबे अन्य सब मंदिर रे पूजक माने पूजा करथिबा बेले एठारे मां को पूजा निजे राजा करंती। वर्तमान मध्य से ही धारा चली आसुछि। राजांक वंशज माने बे मांकर पूजा करुछंती। साधारणतः मंदिर पूजकंकु पूजारी कुहा जाय थाए किंतु एही पीठ पूजारींकु जिया बाबा बा महाराजा भाबे संबोधित करा जाय थाए। दशहरा रे एठारे विशेष भावे पूजा अनुष्ठित हुए। नवरात्रि समय रे ज्योति कलश जाळीबा हेउछि एठाकार भिन्न परंपरा। 800 वर्ष पूर्वरु महाराजांक वंशज माँ मंदिर रे पूजा करि आसुछंती। दंतेश्वरी मंदिर रीतिनीति सेवारे सबु जातिर लोके जड़ित रहिछंती। देवीकु मुख्य मंडपरे जेउ भक्त दर्शन करिबा पई जिबे सेमाने धोती पिंधिबा पई बाध्य, कारण हिंदूंक पारंपरिक वेशभूषा पिंधि ही मंदिर प्रवेश करिपारिबे। एही मंदिर रे अनेक पौराणिक कथावस्तु देखिबाकु मिलिथाय। सेहिपरि मंदिर भीतर बाड़रे अनेक लाल रंगर कपड़ा बंधा होइथिबार आपण देखिबाकु पाइबे। माँ को निकटरे एही कपड़ा बांधिले मनस्कामना पूर्ण हुए बोली विश्वास रहिछि।
बार जातिर लोके एठी माँकर सेवा करिथांति। अतीतरे एठारे नर बळि दिया जाउथला जहा परवर्ती समय रे बंद करा जायथिबार सूचना रहिछि। ना माँ को मु जहा कहिछि मो मनस्कामना पूर्ण हेले मु आउ थरे आसी बोली भाबुछि। जहा हो दर्शन मिलिला मु निजकु धन्य मणुछि। ठाकुरंकर आशीर्वाद सबबळ सदा सर्वदा रहु सब परिवार। मालकानगिरी जिला सदर महकुमा ठारु 17 किलोमीटर एवं छत्तीसगढ़ जगदलपुर ठारु 80 किलोमीटर दूर रे रहिछि एही प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर। तेणु माँ का आशीर्वाद लाभ करिबा पाई ओडिशा तेलंगाना आंध्रर लक्षाधिक भक्त धाई आसी थांती। अनेक किंबदंती आस्था और विश्वास उपरे आधारित एही मंदिर एबे भी भक्तंकु टाणी आणुछि माँ आशीर्वाद लाभ करिबा आशा ने। मालकानगिरी प्रसाद नायकों रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।